नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो प्लेसमेंट एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल करके आया है कि आपको प्लेसमेंट के लिए, अगर आप खाली बैठे हुए हैं, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो इस पे वीडियो को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिले, उसमें किसी भी तरह का आपको छोटा पॉइंट में भी आप छूट ना पाएं। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये जो आपका प्लेसमेंट निकल करके आया है, ये आपको प्लेसमेंट सेल नोटिस के द्वारा निकल के आया है मारवाड़ी कॉलेज रांची के द्वारा। तो इस पे जो है आपका जो है ये जो कंपनी है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में कितने वैकेंसी निकल के आए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 100 है, मतलब 100 कैंडिडेट इस पे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके साथ साथ में कौन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी पूरा डिटेल वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप बने रहे हैं अभी वीडियो में। तो यहां पर पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है वो 100 है, और नाम क्या है कंपनी का, एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक आया हुआ है इस पे जो है, एनी ईयर ऑफ एनी पासिंग, मतलब कि कोई भी ईयर के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए। अब यहाँ पे बात आएगा कि अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, कोई भी स्ट्रीम हो कोई दिक्कत नहीं है, एनी स्ट्रीम, मतलब बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, वोकेशनल हो, नॉन वोकेशनल हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पास आउट होना चाहिए। उन पे एक तरह से है कि एज का लिमिटेशन है, एज क्या है, 26 से नीचे होना चाहिए, 26 से नीचे आपका एज होगा तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट आर नॉट अप्लीकेबल, डायरेक्टली आपको बता दिया गया, नोट अप्लीकेबल है उस पर। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा केवाईसी, मतलब कि आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एडुकेशनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या, 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, प्लस आपका सीवी चाहिए, फ्रंट टू बी शेयर, मतलब कि ये फॉर्मेट भी चाहिए, फॉर्मेट टू बी शेयर, बैंक अकाउंट डिटेल, आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी चाहिए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडुकेशनल डॉक्यूमेंट 10th 12th और ग्रेजुएशन का सीवी फॉर्मेट में चाहिए, और उसके साथ साथ में बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। उसके साथ साथ में आपका जो है ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, मतलब कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बोथ वर्बल एंड रिटेन, मतलब लिखने में भी और बोलने में भी, इंग्लिश हो या लोकल लैंग्वेज हो उसमें आपका फ्लुएंट होना चाहिए। उसके साथ साथ में कैंडिडेट शुड हैव व्हीकल, मतलब आपके पास अपना गाड़ी होना चाहिए, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो अप्लाई कर लीजिए, अपेयरिंग वाले भी आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो कुछ दिन में फिर आपका अप्रूवल हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं बात करें कि एनुअल सैलरी आपको क्या मिलेगा, इसमें जो एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी होगा वो 2.24 लाख पर एनम होगा, तो पर एनम होगा, और प्लस अट्रैक्टिव मंथली इंसेंटिव भी होगा, मतलब आप जिस तरह से काम करेंगे उसके अनुसार आपका इंसेंटिव क्रिएट होगा, आपका 2.24 लाख पर एनम आपका इसका जो सैलरी है, प्लस उसमें आप जैसा काम करेंगे आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार आपका जो है मंथली इंसेंटिव होगा, वो आपका आपके काम के अनुसार होगा। वहीं पर इसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा आपको अलग अलग फेज से गुजरना पड़ेगा। तो पहला है कि एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, कैसे, एज से, एकेडमिक से और डॉक्यूमेंट से, तो ये होगा। उसके बाद में प्री असाइनमेंट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा एट बैंक ब्रांच ऑफिस, मतलब दूसरा जो है प्री असाइनमेंट होगा। उसके साथ साथ में आपका 6 डे ऑनलाइन इंडक्शन होगा फॉर प्री असाइनमेंट क्लियर कैंडिडेट, मतलब जो प्री असाइनमेंट जो क्लियर करेंगे स्टूडेंट उनके लिए क्या है, 6 दिन का ऑनलाइन इंडक्शन होगा। वहीं फाइनल ऑनलाइन असाइनमेंट ऑफ 6 डेज इंडक्शन कंप्लीट कैंडिडेट, मतलब फाइनल उसके बाद में आपका जो 6 दिन जो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में फाइनल एक असाइनमेंट होगा, उसमें ऑनबोर्डिंग एंड डिपार्टमेंटल ऑफ द बैंक ऑफ द फाइनल असेसमेंट क्लियर स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट उसमें क्लियर करेंगे सारा चीज़ को लेकर के, उनको 6 दिन का ऑनलाइन इंसेंटिव ट्रेनिंग इंटेंसिव ट्रेनिंग मेकिंग फॉर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डन बाय द टाइम्स प्रो के जरिए वो किया जाएगा। इस चीज़ को आज खास अच्छे से जान लीजिएगा, टाइम्स प्रो के जरिए किया जाएगा। उसमें फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यही होगा कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं उनको क्या करना है, अपना सीवी जो है मारवाड़ी कॉलेज प्लेसमेंट सेल में 11 से लेकर के 14 मार्च 2024 तक प्लेसमेंट सेल ऑफिस में जाना है। वहाँ पर असिस्टेंट सेल ऑफिसर जो हैं प्लेसमेंट के, वहाँ पर आपको मिलेंगे मिसेस रीना सिंह, उनका जो है
आप मैम के पास जाएंगे, वहां पर 11 बजे से लेकर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक वहाँ वर्किंग डे में, अब ये नहीं कि छुट्टी के दिन में चले जाए, तो जो वर्किंग डे है उस पर आपको जाना है 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में, आपको रिज्यूमे जमा करना है, सीवी आपको उसमें जमा करना है। और इसका जो आपका कैंपस इंटरव्यू जो होने वाला है, जिसमें आपका जो जो भी अप्लाई करेंगे, वो 24 को होने वाला है, 15 मार्च 2024 को होने वाला है। उसके साथ साथ में बात करें वेन्यू क्या होगा इसका, प्लेसमेंट का इंटरव्यू होने का वेन्यू क्या होगा, तो वेन्यू है मारवाड़ी कॉलेज प्लेसमेंट सेल बॉयज सेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग टॉप फ्लोर, मतलब कि जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, महात्मा गांधी प्रशासनिक भवन जो है उसी में टॉप फ्लोर में आपका प्लेसमेंट सेल है। प्लेसमेंट सेल के बगल में ही एक आपका ऑडिटोरियम है, वहां पर इसका इंटरव्यू होगा। कब होगा? 15 तारीख को होगा। तो इसके लिए जो भी एलिजिबल हैं वो आप अपना उस पर अप्लाई कर लीजिएगा। टाइम जो है रिपोर्टिंग टाइम जो है 10:50 पे है। तो रिपोर्टिंग टाइम है जो स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए उनका जो है, मतलब वहां पर आप रिपोर्ट करना होगा 10:50 पे। उसके साथ साथ में जो आपका जो इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हो जाएगा वो कितना से, 11:15 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो डिटेल जो है, डिटेल कब शेयर किया जाएगा, जो स्टूडेंट रजिस्टर कर लेंगे उसको उनका डिटेल दिया जाएगा। तो ये ऑफलाइन तौर पर आपको जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले रजिस्ट्रेशन कराइए उसके बाद में आपको डिटेल शेयर किया जाएगा। और इसी तरह का अपडेट के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन साहब। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से रॉक कीजिए, कैंपस में कैंपस ड्राइव में पार्टिसिपेट कीजिए, प्लेसमेंट लीजिए और अपना लाइफ को अच्छे से सुधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।